हेलो दोस्तों, आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं डिफरेंस जो कि होगा हमारे साबुन और अपमार्जक के बीच में। तो यहाँ पर अब साबुन और अपमार्जक के बीच अंतर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ 8 अंतर दिए गए हैं जिनके लिए आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये IMP क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो इसके लिए ज़रूर से तैयार कर लें अपनी वार्षिक की परीक्षा हेतु। तो यहाँ पर हम पहला वाला अंतर देख रहे हैं, इसमें दिया है यह वशीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होती हैं। कौन? साबुन। तो साबुन वशीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। और वहीं पर जो उपमार्जक यह है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होती है। ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है कि ये होते हैं अम्लों के, वशीय अम्लों के, और ये होते हैं सल्फोनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण। दूसरा अंतर आता है कि इनमें CONA समूह होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, साबुन में CONA समूह होता है और अपमार्जक में SO3NA समूह होता है। तो ये बेसिक सा अंतर है इनमें। इसके बाद आता है आपका तीसरा अंतर जिसमें दिया है, ये मतलब साबुन कठोर जल, अम्लीय जल और लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करते। ठीक है, और जबकि अपमार्जक जो है यह कठोर जल, वशीय जल तथा लवणीय जल सभी के साथ क्रिया करती है। तो इस प्रकार का इनके बीच एक अंतर था। ठीक है, तो फिर अब अगला अंतर आता है इसमें है फोर्थ नंबर में, यह पूर्णतया जैव अपघटनीय होते हैं। कैसे होते हैं? जैव अपघटनीय होते हैं, जबकि जो अपमार्जक हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, साकेत हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकारमक जैसे अनअपघटनीय होते हैं। ठीक है, तो कौन से होते हैं अनअपघटनीय? सकेत हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अनअपघटनीय होते हैं। फिर आता है आपका पांचवा अंतर, यहाँ दिया है ये साबुन जो हैं यूनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते। ठीक है, और जबकि जो अपमार्जक हैं ये ऊनी वस्त्रों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं। तो एक तो ये अंतर हो जाता है आपका ऊनी वस्त्रों के साथ व्यवहारिक होना और ना होना। ठीक, मतलब कि ये नहीं होते हैं साबुन और अपमार्जक व्यवहारिक होते हैं, साबुन व्यवहारिक नहीं होते हैं ऊनी कपड़ों के साथ। छठवां जो आपका अंतर है वो है यह त्वचा के लिए हानिप्रद है और यह त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। तो साबुन त्वचा के लिए हानिप्रद होता है और जो अपमार्जक है वो क्या होता है, हानिकारक नहीं होता है। फिर है सातवां अंतर, इसमें दिया है कि ये जल में घुलने में समय लेती है। तो जो साबुन है वो जल में घुलने में समय लेती हैं, ये सातवां अंतर है। और यह जल में तीव्रता से घुलते हैं, जो अपमार्जक होते हैं निर्माण जिसे बोलते हैं तो वो क्या होते हैं, तीव्रता से जल में घुलते हैं। आपका आठवां जो यहाँ पर डिफरेंस दिया है वो है उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है सोडियम स्टीयरेट तक सोडियम पॉमिटेट। ठीक है, तथा जो अपमार्जक उदाहरण है वो है सोडियम लोरिल सल्फेट और सोडियम डेडिकिल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये बेसिक से 8 अंतर थे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो इसके लिए अच्छे से तैयार कर ले और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में दोस्तों के लिए शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल फ्री MP स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।